हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम आपको चैप्टर 1-6 पढ़ाएंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जिनका आंसर आपको लिखना है। और एज ए FIB दी हुई है ना यहाँ पर, तो जो हम क्वेश्चन बोलते जाएंगे आपको साथ में ऑप्शंस भी देंगे, तो जो करेक्ट आंसर होगा आप उसे फिल कर देंगे, ठीक है। तो आर यू रेडी? Take your pencil and open your notebook. Mention today date. सब आप लोगों ने तैयार कर लिया। अब आप लोग लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 8-9 इज रीड एज। जब 8-9 लिखा है इट मीन्स आपको क्या है, नंबर्स नेम लर्न है सभी बच्चों को, और उनकी स्पेलिंग्स भी लर्न होनी चाहिए। जिन बच्चों को नहीं लर्न है वो बच्चे लर्न कर लें, और मेरे क्लास फर्स्ट के तो बच्चों को सभी लर्न है ना, तो आप लोग इसको 89 लिखिए। अच्छा, इज द आंसर ऑब्टेंड ऑन डिवाइडिंग टू नंबर। जब दो नंबर्स आपस में डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है, तो उसे जो आंसर आता है तो उस आंसर को हम क्या पढ़ते हैं, जैसे दो नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर को डिफरेंस, इसी प्रकार से जब प्लस करते हैं तो आंसर जो आता है उसको सम कहते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर्स का आपस में तो वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट, और जब हम डिवाइड करते हैं बच्चों तो उस आंसर को हम कहते हैं क्वेडेंट। द प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर 7 इन 4-7-1 इज। ओके, यहाँ पर 4-7-1 दिया है, तो अब आप बताएंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 7। 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, वंस, टेंस या हंड्रेड। वंस, टेंस, हंड्रेड सभी बच्चों ने पढ़ा है ना, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर 7 की प्लेस वैल्यू वंस है या टेंस या हंड्रेड। नंबर विच आर मल्टीप्लाइड आर कार्ड। जब दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, यस, आप इसको प्रोडक्ट, या इसको हम फैक्टर्स भी कहते हैं। 1/4 इज रिटन एज, 1/4 को बच्चों कैसे लिखते हैं, 1/4 फ्रैक्शन में हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो 1/4 जब एक सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, 1/4 वन पार्ट्स डिवाइड कलर कर दिए तो क्या हो जाता था, 1/4। टू पार्ट्स को डिवाइड किए और 4 पार्ट हैं तो उसको क्या लिखते हैं, 2/4। इसी प्रकार से यदि 3 पार्ट्स कलर हैं और ठीक है तो उसको हम क्या पढ़ते थे, 3/4, ठीक है। अब आपको लिख करके दिखाना कि 1/4 को आप कैसे लिख सकते हैं। वी सबट्रैक्ट द नंबर फ्रॉम इटसेल्फ। जब हम दिए गए नंबर से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बच्चों उसका डिफरेंस क्या आएगा, 1, 0 या 10, ठीक। जैसे 2-2 इज इक्वल टू 1, 10 या 0, 3-3 इज इक्वल टू 1, 10 या 0। तो इसमें हमने आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, जो राइट आंसर है बच्चों वो आप फिल कीजिए। द नंबर विच आर एडेड आर कार्ड। जो नंबर्स ऐड किए जाते हैं बच्चों उन्हें क्या कहते हैं, फर्स्ट एडेंट, सेकेंड एडेंट, ओके। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, एडेंट। 5 × 8 यानी 5 को आप 8 टाइम्स प्लस कर दीजिए या 5 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई, आप लोगों ने एडिशन रिपीट एज ये पढ़ा है ना, मल्टीप्लीकेशन फैक्ट, यस। तो अब आप बताएंगे कि 5 × 8 इज इक्वल टू कितना होता है आंसर, 32, 40 या 48। ऑर्डरिंग नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर टू द ग्रेटेस्ट नंबर। बच्चों आप लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर तो पढ़े हैं, तो अब आपको ये बताना है जो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या हम उनको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक। 500 + 12, 100 + 1, 101, 100 + 2, 102,
110 इसी प्रकार से जब हम 501 + 501 502 + 2 ठीक है 500 + 2 इज इक्वल टू 502 500 + 3 यानी 503। तो अब आपको ये बताना है 500 + 12 इज इक्वल टू, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा। अब बच्चों आप इस वर्क को अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे और लिखेंगे क्लास टेस्ट। क्या लिख करके देंगे आप लोग? क्लास टेस्ट। और जल्द से जल्द अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए और करेक्शन के लिए हमें तुरंत भेज दीजिए। ओके बच्चों, सभी बच्चों का वर्क मुझे चाहिए, नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। और जिन बच्चों का वर्क कंप्लीट नहीं है वो बच्चे अपना वर्क पहले बुक में कंप्लीट करेंगे और इसके बाद अपनी नोटबुक में भी करेंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।